This is part 2 of the chapter Balance of Payments and Foreign Exchange Rate. In my last video, I had explained you about the current account and the capital account. And I had shown you a table, what are the items which included in a current account and capital account. In this video, we are going to learn in detail about the current account transactions and the capital account transactions. Current account transactions are classified into four broad categories. Current account transactions chart usme divide hai. First one, export and import of goods. Merchandise transactions or visible trade. Merchandise means goods hota hai beta. ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इसमें हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लिखते हैं. मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ फॉरन ट्रेड इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. जितने भी हम लोग फॉरन कंट्री से ट्रेडिंग करते हैं उसमें जो लमसम अमाउंट होता है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के रिलेटेड होता है. हम लोग इम्पोर्ट्स के लिए पेमेंट्स करते हैं, दैट इज़ पेमेंट मेड फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटन ऑन द डेबिट साइड, और उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में. एंड रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, जो चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए जो पेमेंट हमको मिलती है, जो मनी रिसीव होता है, उसको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं करेंट अकाउंट में. बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसी को क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स लिए जाते हैं, दैट इज़ गुड्स. सेकेंड पॉइंट आता है बेटा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज इनविजिबल ट्रेड पे इंक्लूड होती हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते, यू कैन नॉट टच दिस. सर्विसेज हम सिर्फ सेटिस्फाई करती हैं आपकी वॉन्ट्स को, दे आर इनटैंजिबल, इसीलिए इसको किस पे इंक्लूड करते हैं, इनविजिबल ट्रेड में. इट इंक्लूड्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज नोन एज इनविजिबल आइटम सोल्ड एंड परचेज्ड, जो बाहर की कंट्री में आप भी सेल करते हो और बाहर से आप परचेज भी करते हो. तो जो बाहर की कंट्री से हम परचेज और सेल करते हैं उसको एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स बोलते हैं. तो पेमेंट्स उससे जो रिसीव होती हैं, पेमेंट्स आर आइदर रिसीव्ड और मेड, और उसके लिए हम पेमेंट्स पे भी करते हैं अगर हमने उस सर्विसेज को वहाँ से हायर किया है. तो सर्विसेज आर जनरली ऑफ थ्री काइंड्स. सर्विसेज थ्री काइंड्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस. जो हम पेमेंट्स करते हैं इन सर्विसेज के लिए उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं. पेमेंट्स फॉर दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड द रिसिप्ट ऑन द क्रेडिट साइड, और जितनी भी रिसिप्ट होती हैं उसको क्रेडिट साइड में मैंशन करते हैं. थर्ड आता है बेटा, यूनिलेटरल और अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम एब्रॉड, दैट इज़ वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स. वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप रिसिप्ट और पेमेंट्स कर रहे हो विदाउट एनी सर्विसेज इन रिटर्न. ये वन वे ट्रांजेक्शन, जैसे गिफ्ट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, ये क्या आते हैं, वन वे ट्रांजेक्शन्स. जितनी भी रिसिप्ट होती हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स की फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. और जितनी भी हमने पेमेंट करनी है, ट्रांसफर्स करे हैं हमने टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर की कंट्री में, उसको डेबिट साइड में करते हैं. फोर्थ पॉइंट होता है इनकम, फोर्थ पॉइंट है बेटा इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम एब्रॉड. आपको बाहर से रिसिप्ट्स मिल भी सकती हैं इनकम की, और हो सकता है आपको पेमेंट्स करनी भी पड़े, तो वो सारी चीज़ें भी करंट अकाउंट में इंक्लूड होती हैं. और वो इनकम किस फॉर्म में हो सकती है, इंटरेस्ट, रेंट्स एंड प्रॉफिट्स के फॉर्म में. इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स. नेक्स्ट आता है बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस. कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट आइटम हम लोग इंक्लूड करते हैं बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम एब्रॉड. इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड. आप जो बाहर से बोरो कर रहे हो वो सारे आइटम्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है, ठीक है, उन सबके रिसिप्ट को या उनके रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द फॉरनर्स, या फॉरनर्स उस पेमेंट्स को, मतलब उन्होंने लोन लिया था उसको रीपे कर रहे हैं हमारी कंट्री में बैक,
तो उससे क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आपकी कंट्री में आ रहा है, दे आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में. ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू बोरोइंग्स फ्रॉम एब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट एसेट्रा रिसिप्ट ऑफ सच लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय फॉरनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. और यही चीज, ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट. आप जब बाहर लेंड कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है चाहे वो गवर्नमेंट कर रहा है, वहाँ पे उन उस समय वो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी हमारी कंट्री से बाहर जा रही है, एट दैट टाइम वी विल रिकॉर्ड दैट आइटम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ कैपिटल अकाउंट. सेकेंड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम एब्रॉड. आप बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट जो करते हो या बाहर की कंट्री से कोई आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करता है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं. अगर बाहर की कंट्री से कोई हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रहा है. इन्वेस्टमेंट्स बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज real estates in India, etc. Such investments from abroad are recorded on the credit side as they bring in foreign exchange. Or investments by Indian residents in shares of foreign companies, real estates abroad, etc. Such investments to abroad be recorded on the debit side. अगर Indian resident बाहर कुछ abroad में invest कर रहे हैं उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है. अब जो ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या आता है बेटा, इट रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट्स एंड अंडरटेकन इन द फर्म्स बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज बाय एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर देम. वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री में, आप उस पर कंट्रोल करना चाहते हो उनकी फर्म्स में चीज़ों पे, ठीक है. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सिंपली आप इन्वेस्ट कर रहे हो बाहर के शेयर्स और बॉन्ड्स खरीद के, ठीक है, जो फॉरेन गवर्नमेंट ने इशू किए हैं. यहाँ पे आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं होता फर्म्स या उसमें, तो उस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.